Ollie? Roll. Shazwood, congratulations. आप यू नो सक्सेस की एक लैडर चढ़ते जा रहे हैं. आपका लास्ट सॉन्ग 600 million, विच इज फिनोमिनल और एक लैंडमार्क है. यू नो हाउ डज इट फील अब आपका ये रिसेंटली रिलीज गाना जिसमें सारू हैज संग द सॉन्ग कहीं पे निगाहें जो री यू नो री इन्वेंट किया है हैज क्रॉस्ड 1 million ऑलरेडी. सी अबाउट सॉन्ग्स, जब भी कोई गाना सक्सेस टच करता है तो इट फील्स गुड ऑलवेज, चाहे वो शराबी हो या शाहरुख का. और हमारा एक गाना आपको जरूर मैं इस टाइम पे याद दिलाना चाहूँगा, दैट वॉज सुट्टा, सुट्टा मिक्स, राइट. सो सुट्टा मिक्स वॉज ऑल्सो बिग सक्सेस, एंड आफ्टर सुट्टा मिक्स हम लोगों ने एक फिल्म भी की. और जो ये गाना है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये शाहरुख ने बहुत अच्छे से इसको निभाया गाया. और जो जो बहुत बढ़िया पार्ट है वो इसका जो विजुअल्स हैं वो इतने बढ़िया हैं कि मतलब जो भी देखता है, मुझे पता ही था कि ये 1 million तो क्रॉस होने वाला था. सारू, आप और शेजवुड की एक डुओ हिट टीम रही है सुट्टा मेक्स एंड नाउ कहीं पे निगाहें, व्हाट यू हैव टू से, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट द सक्सेस ऑफ द सॉन्ग ऑलरेडी यू नो गोइंग इट्स वे? वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम एक्स्ट्रा एक्साइटेड दिस टाइम बिकॉज नॉर्मली हम जब कोई गाना करते थे आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि पहले जब हम कोई गाना करते थे आई यूज टू गिव इट ऑफ टू म्यूजिक कंपनीज. हमने जो सुट्टा मिक्स था वो भी म्यूजिक कंपनी को दे दिया था. बट इस बार शेज ने मुझे एडवाइस किया, कहते हैं सारू अब टाइम है कि तुम अपना यूट्यूब चैनल डिवेलप करो. तो इसीलिए आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज इट्स द फर्स्ट बिग सॉन्ग ऑफ माई यूट्यूब चैनल सारू माइनी ऑफिशियल, एंड दैट इज़ वाई आई एम एक्साइटेड बिकॉज उसके ऊपर 1 million व्यूज़ होना इज़ अ बिग थिंग. कंपनीज के तो हो जाते हैं बिकॉज उनके इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट हम लोग का गाना उसके ऊपर हो गया है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. इट वॉज ग्रेट फन शूटिंग बिकॉज आई वेंट ऑन दिस लॉन्ग ट्रिप एंड वेर एवर वी वुड गेट अ चांस वी वुड फिक्स अ डे कि आज शूट करेंगे आज शूट करेंगे. एंड इट्स शॉट इन दीज मोस्ट एग्जॉटिक प्लेसेज ऑफ क्रोएशिया विच इज़ इन वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, सॉरी कैन आई कट इट? एंड इट्स एन ओरिजिनल, इट्स नॉट अ रिक्रिएशन. ओके, इट्स कम इन द कैडर ऑफ ओरिजिनल बिकॉज शेज ने वो जो वेव वगैरह था वो मैच नहीं. ओके ओके, सो बट इट्स री इन्वेंटेड, सो no it's created new. It's new, it's a new song. Okay, so it was shot all over Europe and Croatia, you know, aur udhar Dubrovnik karke jagah thi jahan pe Game of Thrones ki shooting hui thi. So mere ko itni excitement thi but main rok ke khud bhi heroine banke I was shooting regularly. So it was like a holiday but it was a lot of work because we had to get the correct lighting, the correct you know. Then we went on a cruise because I wanted to shoot some things on a cruise, in a jacuzzi on a cruise, and it was a really nice experience. And I think it's become like, you know, a landmark a video for exotic locations. शायद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब एक सुपर हिट आइकॉनिक सॉन्ग को आप दोबारा बनाते हैं और ओरिजिनल कैटेगरी में आपने उसको रिलीज किया है. वो डिफिकल्ट जॉब होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप किसी एक लीजेंडरी आइडिया को ब्रेक करके आप कुछ नया बनाने वाले हैं. सो मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है और आप जो एक्सपेक्टेशन ऑफ फैंस हैं वो भी बड़ी होती है क्योंकि वो उस गाने को ऑलरेडी लीजेंडरी सॉन्ग को सुने हुए होते हैं. तो एक चैलेंज होता है बट मज़ा आता है क्योंकि रिक्रिएशन में जब भी करता था, चाहे वो मेरे पिया गए रंगून है, हादसा था, बूढ़ा मिल गया था, वो एक हमेशा एक ऐसा एरा था कि जहाँ हमने ये देखा कि उस गाने को किस तरीके से एक नए गाने में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चैलेंजिंग होता बट एंजॉयबल. सो गाने की कुछ मेलोडी आप दोनों से सुनना? बिल्कुल, सारू गाएगी, शुरू करें. एक बड़ा फनी बात हुई थी, जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने सोचा था इंडिया में ही शूट होने वाला है. सो वी हैड नॉट प्लान्ड दिस ट्रिप टिल देन. सो जब मैं हम लोग शूट कर रहे थे तो उन्होंने कहा एक ना सेकंड अंतरा जो है उसके अंदर ना तुम थोड़ा नेजल गाना, सो दैट हम फिर वो पुराना इरा क्रिएट करेंगे जिधर वो साड़ी पहन के यूं यूं करके पेड़ों के पास. अब यहाँ पे तो नहीं, यहाँ तो बिकनी पहन के क्रूज में डांस हो रहा था, बट वो उसका वो मैंने जब गाया था उसका मैं एक लाइन सुनाती हूँ. शेज आई वॉन्ट यू टू रैप इन द मिडल. शेज का रैप बड़ा इंटरेस्टिंग है उसके अंदर. जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सदाएं, कर दो जी घायल
तुम्हारा है जमाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने तो सालिम बनाओ ना दीवाना। चंडीगढ़ से आई लड़की या न धूम मचा रखी, एक हर पार्टी में शॉट की गिनती 30 के पार पुचा रखी, ये पार्टी करने आती है सब फ्रेंड्स को संग में लाती है, ड्रंकन बेबी जेलो बनकर फ्लोर पे भंगड़ा पाती है। शायद आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? सी आई एम वर्किंग ऑन अ सॉन्ग जो अभी 7 दिसंबर को रिलीज है, डीजे बाजंदे। उसके बाद मेरे कुछ हमने एक स्टूडियोज सेटअप बनाए हैं जिसका नाम है मीडिया मिक्स स्टूडियोज, उसके ऊपर हम नए टैलेंट को लॉन्च कर रहे हैं, रीफर्निश कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरह का म्यूजिक है। और उसके बाद शराबी 2, यस ऑफ कोर्स मेरा मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है शराबी 2। तो ये सब है, और फिर सारू के साथ एक अगला गाना जिसकी शूटिंग पे मैं आज रात को निकल रही हूँ, मालदीव्स। यस सारू, आपका ब्लॉगिंग भी आपने शुरू किया अभी, सो हाउ इज द होल एक्सपीरियंस ट्रांजिशन? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट नाउ आई हैव बिकम रियली, पहले क्या था, सिंगिंग एंड डूइंग वीडियोस and doing some playback, but now it's become very very wide for me also, because I've started vlogging. I'm very active on Instagram too, and you know, basically vlogging in the sense, iske baad gaane ke baad hum maine ek vlog bhi banaya us time pe, because when you're visiting such nice places you don't want to leave the moment to anything, so I kept shooting extra also, and uska vlog bhi main jaldi release karungi apne channel ke upar. But most important, I have made a big step into acting, and after my film 5 Weddings, jisme maine long gavacha gaya tha, uske baad I again got a very nice offer. I'm shooting a film in Jan and Feb, and I recently finished a shoot of a web series in Bhopal, and one of my short films is releasing very soon. And then you remember 2019 I had also done a film called 32 Hoore, which got the director a national award. So there's a lot happening, and I think COVID humko rok nahi saka, hum log uske baad bang ke sath wapas aaye hain. Correct, Shiz? Yes, agreed. Thank you so much. हमारी तो नॉन स्टॉप है ना, पर मैडम आप घूम रही हैं सर की तरफ? नहीं नहीं सर, हाँ इस फिर तेजी बूम बूम नेक्स्ट करना है, चलो डन, मिक्सिंग शुरू करते हैं। थैंक यू। धमाल करते हैं, मैं बोल के बताती हूँ। रॉकिंग नीरज है ना शेज? बिल्कुल, यहाँ का एसी भी चला गया महाराज। हाँ जी, यहाँ का एसी बस। या just come to the closer to the mirror. Yeah, it's perfect. Hold on. Just look from the mirror in the camera. Okay. Yeah. क्या बात शहजूर सर, वन मोर, एक और एक ठीक है ना, थोड़ा फन पोज में बता दो यहाँ अभी। सारू मैम जाओ, थैंक यू, थैंक यू। एक सर आपकी सोलो, हाँ
सर एक स्टेप आगे है ना, हाँ हाँ, और थोड़ा सा हल्का सा, यस परफेक्ट। अरे अगर आपको लगता है कि बाहर भी एक जगह है जहाँ ये लोग बैठते हैं, तो ऑफ कैमरा ऐसे यहाँ देखते हो? नहीं नहीं यहाँ सुपर। व्हाट हैपन? आपको पसीना आ रहा है? ये बैग्स इधर, ये बैग्स ये यहाँ से ट्राई सम पोजेस। आप एक मत करो, नीरज को बुलाना। नीरज महाराज आ जाओ, आप भी आ जाओ ना। अरुण यू आल्सो जॉइन। चल लाइट के ऊपर उसके कवर कर। सर आप भी हाजी, आपका टैग क्या है? सावित्री सिंह, सावित्री जी थोड़ा सा क्लोज आइए ना। हाँ बस एक कैमरा लुक देना कटिंग करते वक्त, एंड देन यू कैन कैरी ऑन। सर स्माइल फर्स्ट, शेयर लुक सर। Yes. Happy कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो साले बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप लोग सब ले लो रिफ्रेशमेंट। यस सर। आप लोगों को बाहर करनी, बाहर थोड़ा एक कॉन्वर्सेशन ऐसे करते हुए कुछ कैन देना। भाई इस तरफ जाने में मेरे पास लुक हियर दिस कैमरा। Saru ma'am, yeah. Can you just turn towards me? Yes. Ah, that's better. So can you just come in here? Yeah. Maybe you can smile a little more. Thank you. ये है ना 9833 5। हाँ मीटिंग पे जा रही हूँ। हेलो ऑफिस। रुक 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 रुक, एक्सटेंड कर दे। हाँ चलो आपको ना उधर ना कर लेते हैं। तो तुम गाड़ी से आइए। हाँ साथ में चलते हैं। अरुण से आइए। अरुण गाड़ी से सेवन वन फोर जीरो फाइव सिक्स 714-0-5-6। आपने केक नहीं खाया? खाते हैं ये ना? हाँ। गॉगल्स हाँ ऊपर चला गया, बेटर है।
ऑफ कैमरा लुक भी देना भाई यहाँ इस तरफ है यू कैन जस्ट कम वॉकिंग फ्रॉम द डोर टू बी यस लाइक फ्रॉम द डोर कमिंग आउट या कम so much. Can't they be parun? She